Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम IPSLA को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि IPSLA बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। और आज हम हमेशा की तरह पहले थ्योरी की तरफ जाएंगे और थ्योरी के बाद जितने भी टास्क यहाँ पे मेंशन है इनकी तरफ आएंगे और वन बाय वन सारे टास्क को हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले IPSLA होता क्या है। IP stands for Internet Protocol and SLA stands for Service Level Agreement. Actually, ये एक agreement होता है between service provider and customer के बीच। और जब ये agreement sign होता है तो उसके बाद दोनों parties पे लाजिम होता है जो भी agreement sign है उसकी तमाम requirements को fulfill करना। Documentation की हद तक तो सही है, but जो एग्रीमेंट साइन हुआ है अब हमने उसको मॉनिटर कैसे करना है। तो मॉनिटरिंग के लिए जो टूल यूज होता है या फिर हम कह सकते हैं मॉनिटरिंग हम करते हैं ऑन बेस ऑफ IPSLA। तो IPSLA का जो फ्यूचर है वो सिस्को के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अवेलेबल है और एक IT प्रोफेशनल इस फ्यूचर को यूज करके रियल टाइम नेटवर्क से रिलेटेड जो उसकी परफॉर्मेंस होती है एक नेटवर्क की उनकी उसकी इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है और ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस बेसिस पे कलेक्ट होती है। अब ये इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है, ये रिस्पांस टाइम हमारे नेटवर्क का उससे रिलेटेड का डाटा हो सकता है, लेटेंसी मींस के डिलेज जो हमारे नेटवर्क में आ रहे हैं उससे रिलेटेड का डाटा, जिटर्स जो वेरिएशंस हमारे नेटवर्क में आ रही है उससे रिलेटेड का डाटा, और पैकेट लॉस कि हमारे नेटवर्क में जो पैकेट लॉस हो रहे हैं उससे रिलेटेड का जो डेटा है, ये सारा डेटा कंटिन्यूस बेसिस पे एक IT प्रोफेशनल कलेक्ट करते हैं और जो टूल यूज करते हैं जो फीचर यूज करते हैं वो IPSLA का यूज करते हैं। अब IPSLA का सिर्फ ये काम नहीं है कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस से रिलेटेड के इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जैसा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस के जो लेवल्स हैं उसकी वेरिफिकेशन भी हम IPSLA की मदद से कर सकते हैं। और बहुत जल्दी जो रूट प्रॉब्लम होता है, एक रूट प्रॉब्लम जो हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस लेवल ड्रॉप होने की, उस तक हम बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। स्पेशली जब हमारे नेटवर्क में NMS नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम अगर इंटीग्रेटेड हो तो तब तो बहुत ही आसान है क्योंकि हम जो थ्रेशोल्ड डिफाइन करेंगे जब भी उस थ्रेशोल्ड की वायलेशन होंगी तो रियल कैप्चरिंग उस वायलेशन की होगी और उसके बाद उसका अलर्ट जनरेट होगा और वो अलर्ट हमारे NMS में स्टोर होगा, सेव होगा। तो जो सेव अलर्ट्स या लॉग्स होंगे उसकी बेसिस पे हम उसको बेसिस को या फिर उसको इन्वेस्टिगेट करके हम बहुत जल्दी जो रूट प्रॉब्लम है उस तक हम पहुंच सकते हैं। अब IPSLA का नाम हमेशा चेंज होता रहा है। पास्ट में हम इसे सर्विस एश्योरेंस एजेंट SSA के नाम से जानते थे और उसको रिस्पांस टाइम रिपोर्टर भी कहते थे, बट आजकल IPSLA के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा IPSLA वैन नेटवर्क में बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि वैन नेटवर्क में हमारी जो ब्रांचेज होती हैं वो उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस होती है वो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, तो इन डिफरेंट प्लेसेस को हम एक सेंट्रलाइज लोकेशन से IPSLA की मदद से मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क की परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी के अलावा IPSLA में जो मॉनिटरिंग करते हैं उसमें उसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकते हैं जैसे कि डिफरेंट एप्लीकेशन से रिलेटेड के इश्यूज को हम मॉनिटर कर सकते हैं और उसको हम ट्रबलशूट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर है, सपोज हमारे पास ये सोर्स है और ये डिस्टिनेशन है और इसको हमने मॉनिटर करना है इस पाथ को, तो हम IPSLA को कॉन्फ़िगर करते हैं सोर्स पे और डिफरेंट तरीकों से हम इस पाथ को हम ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। हम DNS की क्यूरीज की मदद से भी कर सकते हैं, DHCP के रिप्लाइज की मदद से भी कर सकते हैं और इको के SMP के जो इको के ऑपरेशन या इको के जो पैकेट्स होते हैं उसकी बेसिस पे भी हम पाथ को मॉनिटर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इको का ऑपरेशन यूज हुआ है। तो सोर्स एक पैकेट सेंड करता है डिस्टिनेशन को इको का, और डिस्टिनेशन हमारे पास रिस्पॉन्डर होता है, वो रिस्पॉन्स करता है उस इको के पैकेट को सोर्स की तरफ। तो ये हम एक स्पेसिफिक टाइम हम डिफाइन करते हैं, उस स्पेसिफिक टाइम पे कंटिन्यूसली ये पैकेट सोर्स से डिस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड होता है और डिस्टिनेशन उसका रिस्पांस देता है। जब जब रिस्पांस मिलता है इट्स ओके, हमारे जो कनेक्टिविटी वो ठीक होती है। जब ये पैकेट या जो डिस्टिनेशन से हमारे पास रिप्लाई नहीं आता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारी जो कनेक्शन है, जो मॉनिटरिंग हमने लगाई थी, वो फेल हो गई है। तो उसके बाद हम उसके ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में थोड़े से डिटेल में डिस्कशन की है कि जो IPSLA के यूजेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो IPSLA की मदद से हम जो नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर कर सकते हैं, वॉइस और RP को हम मॉनिटर कर सकते हैं, SLA की मॉनिटरिंग कर सकते हैं जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको, और इसके अलावा नेटवर्क असेसमेंट कर सकते हैं, MPLS मॉनिटरिंग कर सकते हैं और ट्रबल शूट कर सकते हैं। और जो मेयरमेंट मैट्रिक्स यूज होते हैं IPSLA में वो है लेटेंसी, जो डिलेज हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, पैकेट लॉस, नेटवर्क जेटर्स जो वेरिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटिक्स और कनेक्टिविटी, ये IPSLA के मेयरमेंट मैट्रिक्स में आते हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं IPSLA को यूज करके, जिटर्स, FTP, DNS की क्यूरीज, DHCP की रिप्लाईज, ये ऑल टेक्निक है। इसके अलावा ICMP के पैकेट्स, UDP, TCP, ये सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके हम IPSLA के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह लास्ट पिक्चर में हमने देखा था, उसी तरह ये सोर्स है और ये हमारे पास एक रिस्पॉन्डर है, सोर्स से पैकेट आता है और रिस्पॉन्डर उसका रिप्लाई करता है। इसी तरह यहाँ पे डिस्टिनेशन में एक सर्वर है, तो जो पैकेट होगा उसका एक सर्वर की तरफ जाएगा, और अगर हमारे पास NMS सर्वर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है हमारे नेटवर्क में तो उसके जो अलर्ट्स होंगे वो भी वहाँ पे सेव होंगे। तो ये थी एक शॉर्ट डिस्कशन IPSLA से रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं अपने टोपोलॉजी की तरफ और मजीद इसकी डिटेल देखते हैं। तो आज की हमारी जो टोपोलॉजी है फ्रेंड्स वो आप लोगों के सामने है, और लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर किया था विद स्टैटिक राउट्स। तो आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि IPSLA का स्टैटिक राउट के साथ क्या कनेक्शन है। तो यस, हम IPSLA को स्टैटिक राउट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक अगर हम बात करें रिटेंडेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी, तो सपोज हमारे नेटवर्क में HSRP का प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है तो उसमें एक कंसेप्ट यूज़ होता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का, तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को मॉनिटर करने के लिए भी हम IPSLA को यूज़ कर सकते हैं। बट आज का हमारा जो मेन फोकस है वो स्टैटिक राउट के साथ IPSLA का यूजेज कैसे है तो उसको आज हम देखेंगे। तो सपोज हमारे पास ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और लास्ट आई थिंक सेकेंड लेक्चर में हमने फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया था इस वाले पाथ को, जो राउटर 1 से राउटर 3 और राउटर 3 से राउटर 4 जो एक्ट कर रहा था एज ए बैकअप। अब जब राउटर 1 का ये वाला लिंक जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये फेल हो जाता है तो उस सूरत में जो ट्रैफिक थी वो फॉरवर्ड होती थी जो बैकअप पाथ हमने कन्फिगर किया था उसकी तरफ। बट वट इन केस ऑफ फेलर ऑफ दिस लिंक, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में एक राउटर को नहीं पता होता है कि उसके नेबर से आगे जो लिंक्स है उनका स्टेटस क्या है। अगर ये वाला लिंक फेल हो जाता है तो राउटर 1 राउटर 2 की तरफ ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा, राउटर 2 उसको ड्रॉप करेगा। इसी तरह राउटर 1 ट्रैफिक फॉरवर्ड करता रहेगा और राउटर 2 उसको ड्रॉप करता रहेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम राउटर 1 के ऊपर IPSLA कॉन्फ़िगर करते हैं जो मॉनिटर करता है इनडायरेक्ट लिंक्स की एक्टिविटीज़ को, या फिर कह सकते हैं इनडायरेक्ट लिंक्स के स्टेटस को। जब हमने IPSLA कॉन्फ़िगर किया R1 के ऊपर तो अगर हमारा नेटवर्क में जैसे कि यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ये वाला लिंक फेल हो जाता है तो कॉन्फ़िगर्ड IPSLA की मदद से राउटर 1 को ये पता चल जाता है कि
जो इनडायरेक्ट लिंक है वो फेल हो गया है, तो वो ट्रैफिक को बैकअप पाथ जो हमने कॉन्फ़िगर किया है उसकी तरफ फॉरवर्ड करता है। तो ऐसे IPSLA की मदद से हम स्टैटिक राउट्स का जो इनडायरेक्ट लिंक है उसको हम मॉनिटर करते हैं। तो चलते हैं अब हम अपने टास्क की तरफ। आज का हमारा पहला टास्क है पिंग फ्रॉम R1 नेटवर्क टू R4, मतलब है कि इस नेटवर्क से हमने राउटर 4 के इस नेटवर्क को पिंग करना है। तो राउटर 1 पे चलते हैं और पिंग करते हैं राउटर 4 के किसी राउट को। तो 214.14.14.100 ये वाला इंटरफेस का IP एड्रेस है जो पिंग नहीं हो रहा है क्योंकि राउटर 2 का ये वाला इंटरफेस डाउन है। यही हमने करना था क्योंकि इनडायरेक्ट लिंक है, ये ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता रहेगा यहाँ पे राउटर 1 राउटर 2 की तरफ और राउटर 2 उसको ड्रॉप करता रहेगा। अगेन हम ज़रा पिंग करके देखें तो अनरीचेबिलिटी यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे ही हम इस लिंक को दोबारा वापस लाते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 है तो इसको मैं नो शट करता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अब हम पिंग करके देखें कि हमारा इंटरफेस वापस आया है। जी अब ये पिंग हो रहा है। अगर हम PC1 से पिंग करें जो R1 के नेटवर्क में पड़ा हुआ है 214.14.14.1 जो PC4 है R4 के नेटवर्क में पड़ा है तो ये पिंग हो रहा है। इसी तरह अगर हम PC5 को पिंग करें R1 से, उसका IP एड्रेस है 14.2, तो ये भी पिंग हो रहा है। अगला हमारा नेक्स्ट टास्क है, स्टेप है, ट्रेस राउट R4 नेटवर्क। R4 के इस नेटवर्क को ट्रेस करना है फ्रॉम R1 के इस नेटवर्क से। तो अगेन हम राउटर 1 पे चलते हैं, ट्रेस करते हैं 214.14.14.100। तो ये 219.19.19.2 राउटर 2 के पास आया, फिर 222.20.20.4 राउटर 4 के पास आया। तो क्योंकि ये वाला पाथ, दूसरा हमारे पास जो पाथ है R1 3 एंड 4 ये एक्ट कर रहा है यहाँ पे एज ए बैकअप, तो हमारी जो टोटल ट्रैफिक है वो इस पाथ को फॉलो कर रही है। इसी तरह हम PC1 से ट्रेस करें 214.14.1 को, तो ये वाला पाथ यूज़ कर रहा है क्योंकि लास्ट टाइम हमने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया था राउटर 1 के ऊपर और ये मेंशन किया था कि R1 का ये पूरा का पूरा नेटवर्क अगर इस PC के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो ऑलवेज यूज़ दिस पाथ। तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला पाथ यूज़ हो रहा है। अगर हम दूसरे PC को ट्रेस करें जिसका IP एड्रेस है 14.2, तो उसके लिए ये वाला पाथ है और बाकी जितने भी हमारे पास ट्रैफिक होगी वो इस पाथ को राउटर 1, 2 एंड 4 को फॉलो करेगी। तो अगला हमारा टास्क है कॉन्फ़िगर IPSLA R1 के ऊपर IPSLA कॉन्फ़िगर करना है एंड विच ट्रैक R4 नेटवर्क। R4 का ये पूरा का पूरा नेटवर्क को ट्रैक करें एंड मेक श्योर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ R1, 2, 4 पाथ यूज बैकअप पाथ। अगर ये वाला पाथ कहीं से भी फेल होता है तो वो यूज़ करें ये वाला पाथ, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था इस इंटरफेस को डाउन, ये वाला इंटरफेस डाउन था तो हमारी जो टोटल ट्रैफिक थी वो ड्रॉप हो रही थी। तो अब हमने IPSLA कॉन्फ़िगर करना है R1 के ऊपर जो पूरा का पूरा ये वाला नेटवर्क मॉनिटर करे, इसको मॉनिटर करे कि कहीं से भी कोई भी लिंक ये वाला फेल होता है वो बैकअप ट्रैफिक को बैकअप पाथ के ज़रिए फॉरवर्ड हो और डिस्टिनेशन तक पहुँचे। तो इसके लिए हम R1 पे चलते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। यहाँ पे हम IPSLA मॉनिटर, कुछ IOSs ये वाली कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करते हैं, कुछ थोड़े से इसमें डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे मॉनिटर को कीवर्ड को मेंशन करना है, वहाँ पे आप सीधा IPSLA का नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे केस में मॉनिटर है और 1 में इसको नंबर देता हूँ एंट्री नंबर। इसके बाद टाइप
और जो दूसरा iOS है वो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप आईपी आईसीएमपी लिख के आ गए, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं हमारे केस में यहाँ पे टाइप एको प्रोटोकॉल आईपी आईसीएमपी का प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने डिस्टिनेशन को मेंशन करना है। हमारे केस में यहाँ के पूरा का पूरा नेटवर्क को मॉनिटर करना है। अगर आपने किसी एक इंटरफेस को मॉनिटर करना है तो उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस दे सकते हैं, बट वो सिर्फ वही इंटरफेस मॉनिटर होगा। जब वो इंटरफेस डाउन होगा तो तब ट्रैफिक फॉरवर्ड होगी बैकअप पाथ की तरफ, जो हमारे केस में ये वाला है। बट हमारे हमारा आज का जो टास्क है वो मॉनिटर करना है राउटर 4 का पूरा नेटवर्क, चाहे ये वाला इंटरफेस डाउन होता है ये वाला इंटरफेस डाउन होता है, हर सूरत में ट्रैफिक बैकअप पाथ को की तरफ फॉरवर्ड हो। तो हमारे पास पूरा नेटवर्क है R4 का 214.14.14.0, और उसके बाद सोर्स इंटरफेस को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और हम करते हैं आईपी एड्रेस, जो सोर्स आईपी एड्रेस होगी वो 219.19.19.1, ये सोर्स आईपी एड्रेस होगी। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब के कितने सेकंड्स के बाद ये जो मॉनिटरिंग का पैकेट है जो हमने आईसीएमपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, एक्चुअली ये आईसीएमपी का पैकेट होगा जो फॉर मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये फॉरवर्ड होता रहे सोर्स से डिस्टिनेशन की तरफ। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 6 सेकेंड में, और इसके अलावा 6 सेकेंड के बाद हम टाइम आउट भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टाइम आउट मिली सेकेंड में होगा। टाइम आउट होता क्या है कि कितना वेट कर रहे रिस्पॉन्डर के रिस्पांस का, जो एक पैकेट हमने सोर्स से डिस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड किया है उसका जो रिस्पांस है वो कितने टाइम मिली सेकेंड तक एक सोर्स वेट करे। तो हम कहते हैं 2000 मिली सेकेंड। इसी तरह हम थ्रेशोल्ड भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जो ऑप्शनल है वो भी मैं 2000 रखता हूँ। इसके बाद अब हम यहाँ पे आईपी एसएलए का जो स्केड्यूल है उसको हम डिफाइन करते हैं। आईपी एसएलए मॉनिटर, फिर यहाँ पे हम स्केड्यूल देते हैं, स्केड्यूल एंट्री नंबर में 1 देता हूँ। इसके बाद स्टार्ट टाइम, कब से ये मॉनिटरिंग स्टार्ट हो, मैं कहता हूँ नाउ, अभी से। और इसका लाइफ कितना हो सेकंड्स में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, मैं कहता हूँ हमेशा के लिए ये मॉनिटरिंग ऐसी चलती रहे। इसके बाद ज़रा एग्जिट करते हैं, और आईपी एसएलए का जो मिनट शो आईपी एसएलए मॉनिटर स्टेटिस्टिक्स को हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे जो मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई है उसका नंबर 4 शो कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये 5 हो गया, ये इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो एसएलए हमने मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर किया है उसने मॉनिटरिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। अब हमने यहाँ पे ट्रैक को डिफाइन करना है, इसके लिए भी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और ट्रैक का नंबर देते हैं 1, कुछ भी आप दे सकते हैं। इंटरफेस को अगर ट्रैक करना है तो उसका भी आप दे सकते हैं, आईपी एंड आईपी प्रोटोकॉल को भी आप दे सकते हैं। लिस्ट मैं कहता हूँ राउंड ट्रिप टाइम रिस्पांस टाइम जो होता है वो हो 1 दे दिया, और रीचेबिलिटी मैं कहता हूँ रीचेबिलिटी को ट्रैक करता रहे। अब यहाँ पे शो मैं कहता हूँ डू शो रनिंग कन्फिग करके ज़रा हम देखें, तो हम कौन सा वाला पाथ मॉनिटर कर रहे हैं, ये वाला पाथ R124, तो ये वाला उसका आईपी एड्रेस है। तो ओके, अगेन मैं इसको एग्जिट करता हूँ, और यहाँ से ये पूरा का पूरा राउट जो हमने दिया था उसको मैं ज़रा रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे ट्रैकिंग को एनेबल करना होगा, जो हमारा है 214 आईपी राउट 214.14.14.0 पूरा का पूरा नेटवर्क, फिर उसका सबनेट मास्क और नेक्स्ट हॉप एड्रेस 219.19.19.2, ये आईपी स्टैटिक राउट हमने कॉन्फ़िगर किया है। और उसके साथ हमने कहा कि इस स्टैटिक राउट्स को आप ट्रैक करो, जो ट्रैक नंबर हमने दिया था 1,
ओके, तो अब जरा चलते हैं राउटर 2 पे, और राउटर 2 का ये वाला इंटरफेस जो ऑलरेडी यहाँ पे है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0। IP SLA कन्फिगर करने से पहले जब हमने इसको शट डाउन किया था तो ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं हो रही थी। अब हम ज़रा इसको शट डाउन करते हैं और देखते हैं कि अब हमारी जो ट्रैफिक है वो बैकअप पाथ को फॉलो करती है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेस नहीं करते हैं बल्कि पिंग करते हैं 214.14.14.100 को। अब है हमारे पास ही जो पिंग है वो सक्सेसफुल हो गया। और अब हम ज़रा ट्रेस करके देखें ये वाला पाथ था उसको, तो ये फॉलो कर रहा है ये वाला जो हमने बैकअप फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया था। हम पिंग करें पिंग 214.14.14. इस PC को तो ये भी पिंग हो रहा है, और ट्रेस करें 214.14.14.2 को तो ये फॉलो कर रहा है अब ये वाला पाथ जो हमारा बैकअप पाथ था। तो गाइज ऐसे हम IP SLA को कॉन्फ़िगर करते हैं विद स्टैटिक राउट, और स्टैटिक राउट्स को हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।